बाइक कितना कितना के दे रहे हैं, कितना कितना का बाइक? भैया ये आ जाएगा 15,000 में, 35,000 में, 38,000 में, 38,000 में, 35,000 में, 35,000 में, ये आ जाएगा आपको 38,000 रुपए में। पल्सर है, पल्सर है सर, ये पल्सर भी आ जाएगा 35 में, 35 में, 40 पट इंजन सुपर सबसे ज्यादा डिमांडेड, सबसे ज्यादा डिमांड है। और ये 20 मॉडल है, ये आपको आ जाएगा 48,000 में, 48 से, ठीक है, ये आ जाएगा 39,000 में। ये स्टार्टिंग और अंत कितना तक है? शुरू जो है बाइक ही बाइक आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे आपको पूरा बाइक आपको नजर में आ रहा होगा। और ये सेकेंड हैंड बाइक है, जो बाइक आप ले सकते हैं कम से कम चार्ज में। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जहां तक आपको नजर जा रहा होगा, आपको सेकेंड हैंड बाइक आपको नजर आ रहा होगा। जो आपको बाइक ये बहुत ज्यादा आपको पुराना नहीं मिलेगा, 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर में सब बाइक मिलेगा। और इसका प्राइस अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि सबसे लो प्राइस आपको मिलने वाला है। और जो आप रांची पटना दिल्ली जो जाते थे जो सेकेंड हैंड बाइक मिले, सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए, वो आपको गढ़वा में मिलने वाला है, और गढ़वा में सबसे कम रेंज पर मिलने वाला है। देखिए साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे ये छोटी छोटी जो है आपको गाड़ियां नजर आ रहा होगा। और ये गाड़ी जो है ज्यादातर किसान लोग चलाते हैं, जो दुकानदार लोग हैं वो आपको TVS के तो जो है यूज करते हैं, ताकि उसको जो है सामान जो है ज्यादा लादना रहता है। ये सामान आपको, ये बाइक आपको मिलने वाला है, और सबसे कम रेट में, क्योंकि हम लोग नए एजेंसी में जाते हैं, जब बाइक शोरूम में जाते हैं तो वहां पर लाखों रुपया अगर इस बाइक के सुनाता है तो हम लोगों का जो है 103 डिग्री का जो है बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि पैसे लगते हैं। तो वो रेंज में जो है आपको सबसे कम रेंज में आपको बाइक मिलने वाला है। और ये ऐसा बाइक है जो हर कैटेगरी का, हर कंपनी का, और जो जैसा बाइक लेना चाहे आप ले सकते हैं। आपको A to Z आपको बाइक मिलेगा, और ये बाइक जो है पूरा ऑन रोड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं जो आप इसको खरीदते हैं तो इसके बाद आपको जो है बनवाना पड़ेगा, उसमें रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, ये आपको कुछ नहीं करवाना है। आप बाइक लेके जाइए और डायरेक्ट जो है रोड के ऊपर आप उतार लीजिए। इसके अलावा इनका जो मालिक है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। साफ तौर पर स्कूटी भी देख पा रहे होंगे, काफी महिलाएं लोग जो है स्कूटी के शौकीन होते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो है साग सब्जी लेने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, या तो फिर अपने अगल बगल के सहेली के घर में जाने के लिए काफी दिक्कत होता है। महिलाएं लोग जब घर से तैयार होकर जाती है तो उनको काफी समस्या करना जो है समस्या के सामना करना पड़ता है। तो स्कूटी आपके लिए ले सकते हैं, और ये सबसे कम रेंज में ले सकते हैं। अब ये देखें, अच्छा ये बाइक कितना कितना के दे रहे? इधर ये बाइक कितना कितना के दे रहे? कितना कितना का बाइक? ये आ जाएगा 15,000 में, 35,000 में, 38,000 में, 38,000 में, 35,000 में, 35,000 में, ये आ जाएगा आपको 38,000 रुपए में। पल्सर है, पल्सर है सर, ये पल्सर भी आ जाएगा 35 में, 35 में, 40 पट इंजन सुपर सबसे ज्यादा डिमांडेड, सबसे ज्यादा डिमांड है। और ये 20 मॉडल है, ये आपको आ जाएगा 48,000 में, 48 से, ठीक है, ये आ जाएगा 39,000 में। ये स्टार्टिंग और अंत कितना तक है? शुरू कितना है और लास्ट कितना में है? अपने पास 17,000 से शुरू है, 17,000 से शुरू है, और लास्ट 65 तक जाती है। 65 वाली बाइक, जो एवरेज जो 65,000 को देंगे उस बाइक का दाम कितना रहता है और कितना दिन का चलाया हुआ? 65 का रहेगा सर, वो एक से डेढ़ साल की चली हुई रहेगी। और आप नए में कैश में लेने जाएंगे तो 1,07,000 से ऊपर की रहेगी, ऊपर की रहती है जी। चलिए लगभग 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है या बहुत ज्यादा पुराना बाइक रहता है? 1.5 साल, सिर्फ 1.5 साल, सिर्फ 1.5 साल का, 1.5 साल पुराना बाइक आप दे देंगे सर। 21 मॉडल, 22 मॉडल सारा मिलेगा सर। जैसे कि देखिए इसको दिखाइए आप, ये ग्लैमर है, इसको देखिए ग्लैमर है, ये दोनों 20 मॉडल है, ये आपको मिल जा रहा है 48,000 में, 48 में, ठीक है। ये 21 मॉडल का सुपर है, ये आपको मिल जाएगा 55,000 में, ये 21 मॉडल है 55,000, ये 21 मॉडल है 55,000। उसके बाद सर ये 20 का है जो आपको ऑलरेडी अभी बताए हम जी। इसके अलावा इस तरह से रेंज घटता जाएगा। ये देखिए आपको बाइक पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर के माध्यम से भी आप सर्च मार सकते हैं जी ये बाइक जो है कितना पुराना है। ये ऐसा नहीं है जो नेम प्लेट नहीं है, नेम प्लेट के हिसाब से आप ईयर को भी पता लगा सकते हैं जी कितना साल पुराना है, 2 साल 3 साल 5 साल, या तो फिर साल डेढ़ साल का के जो है 10 साल का आपको बाइक पुराना मिल रहा है। इसमें लफड़ा क्या होता है? पुराना बाइक हम लोग लेंगे चोरी का माल पर हम लोग का संकेत होता है या शंका होता है क्या? देखिए कस्टमर को दो तीन चीज एकदम हमेशा रहता है, या तो ये बाइक चोरी की हो सकती है, या बाइक एक्सीडेंटल हो सकता है, या बाइक में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीजों को कंफर्म करने का तरीका भी अपने पास है। अगर बाइक चोरी की है, ठीक है, तो FIR होना चाहिए उस पर, या पेपर नहीं होगा, हम दोनों चीज आपको चेक करा के देंगे। सेकेंड थिंग, गाड़ी एक्सीडेंटल है तो नहीं, मेरे पे भरोसा करो, गाड़ी कोई एक्सीडेंटल नहीं है, आप चला फिरा के देखो, अगर आपको कहीं से लगता है आप गाड़ी मत लो, ठीक है। थर्ड, इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो इंजन में भी आप एक ही तरीका है पता करने का, आप उसको चलाइए, टेस्ट
टेस्ट ड्राइव लीजिए, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर चला के आइए, जब आप कहिए कि नहीं गाड़ी मेरे लिए ठीक है तब आपको देंगे। प्लस सर आप गाड़ी ले लिए, हो सकता है कि कुछ दिन में आपको 10 दिन 15 दिन में कुछ खराबी आपको पता चल जाए, तो मेरे पास 2 सर्विस 6 महीना का दिया हुआ है, 6 महीना में 2 सर्विस आपको हम देंगे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है, आप आइए बनवाइए मेरे से, जो भी गाड़ी आपको कमी बेसी लग रहा है आप आइए और हमसे बनवा लीजिए। मैंने रोड पर जो है उतरेगा गाड़ी चलता हुआ उतरेगा मिलेगा, उसमें कुछ काम नहीं करवाना, एक पैसा के काम नहीं लगवाना, कोई भी काम नहीं। अगर आप कहेंगे आप अपने दिखाना चाहते हैं व्यूअर्स को भैया, तो हम अभी आपको इंजन वॉयल तक खोल के दिखाएंगे, एकदम नया मिलेगा, पूरा नया मिलेगा, पूरा मोबाइल। अच्छा, आप सेकंड हैंड बाइक खरीदते भी है और लेते भी है, दोनों काम करते हैं? दोनों काम सर। जैसे किसी को होता है ना कि अब ये बेच देना है, तो मेरे पास आइएगा तो कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप हमसे ही गाड़ी लीजिए, आप किसी भी कंपनी का नया गाड़ी लीजिए, आपकी गाड़ी हम खरीद भी लेंगे, और आप हमारे पास से लेना चाहते हैं तो आपको बदल के गाड़ी मिल भी जाएगी। अच्छा, ये उद्देश्य क्या है कि सेकंड हैंड बाइक आप जो एजेंसी खोलेगी उसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको खोले? सर देखिए, अभी अब आप गाड़ी का रेट देखिए, अभी गढ़वा जिला का खुद यहाँ पे एक बगल में हरैया गांव है, हरैया गांव से सबको वाकिफ है जिला में, वहाँ और तिलदाग, ये दो जगह पे हम एवरेज देखे हैं कि मैक्सिमम गाड़ी जो छत्तीसगढ़ की गाड़ी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत है तभी तो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं ना लेने के लिए। यही सोच के, और दूसरे में गाड़ी का राइजिंग देख रहे, प्राइस कितना हाई है, 1 लाख से ऊपर है, हम आधे दाम में अवेलेबल कर रहे हैं लोगों को, जो कम बजट में लोग हैं उन भी तो गाड़ी चला लेंगे ना, चलाएंगे ना कहीं उनका भी शौक है, बस यही उद्देश्य है कि उनको भाई कुछ फैसिलिटी दिया जाए। ऐसे ये लोन ओन पर भी देते हैं या ओनली कैश? नहीं सर, सिर्फ कैश, ओनली कैश, ओनली कैश, लोन ओन का व्यवस्था नहीं है? नहीं, सेकंड हैंड पे कोई कंपनी लोन कर नहीं रही है इसलिए हम दे नहीं रहे, और फ्रॉड बोलना नहीं है अपना है कि आप भाई लोन कोई कंपनी नहीं करती इसलिए हमारे पास भी। यदि कोई लोन करके आता है तो आप उसको देंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर कोई उसका पर्सनल लोन देने के लिए तैयार है कि भाई हम इसको पैसा दे रहे हैं तुम गाड़ी दो, हम दे देंगे। चलिए, अगर आप लोन करवाना चाहें तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन लोन का व्यवस्था भी यहाँ पर अभी उपलब्ध फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो है आपको 30,000, 25,000 और 45,000, 40,000 का लोन आज के डेट में लगभग कोई नहीं के बराबर का रहता है, और आपको पूरा बाइक जो है पूरा जो है A1 कंडीशन में मिलेगा। आप पूरा ये बाइक को अच्छी तरीके से आपको जाँच करना होगा, देखना होगा, आप चला के देखिए, आपको हर तरीके से इसको जो है चेक करने के बाद ही आप बाइक लीजिए, और टोटल आपको बाइक मिलता हो। आपको देखिए ग्लैमर, लोगों का बहुत ज्यादा एक शौकीन होता है जो ग्लैमर हम लोग यूज करते हैं, ये देखिए ग्लैमर आपके सामने साफ चकचकाता हुआ नजर आएगा, रोड के किनारे में है, थोड़ी मोड़ी आपको धूल नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको जब आप कंडीशन में लाएंगे तो बेहतर कंडीशन में आपको मिलेगा। आप टोटल A to Z कौन कौन कंपनी के रखे हैं बाइक? सर अपने पास हीरो है, होंडा है, बजाज है, TVS है, ठीक है, और बस यही गाड़ी TVS, लूना भी है, लूना भी, एक्सल में भी लेगा सारा। अच्छा, सेल्फ में, बिना सेल्फ में, हर तरह का। ज्यादातर किसान लोग जो है, बिजनेसमैन लोग लूना लेता है, जो TVS लेता है। नो डाउट सर, आप पिछला बार आए थे रिपोर्टिंग में तो करीब करीब मेरे पास 3 लूना था, तीन के अलावा 3 बेच चुके हैं, 6 लूना बेचने के बाद फिर 5 लूना खड़ा किए हैं। अच्छा, लोग खरीद भी रहे हैं बहुत ज्यादा? कैसा गढ़वा के लोग के मतलब इसमें क्या कैसा रुचि? बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे जो सेकंड हैंड का है, और आपके जो वीडियो के माध्यम से देखे लोगों को काफी जानकारी आप दिए उन लोगों को, वो लोग आके सीधा बोलते हैं ग्रीन लाइन न्यूज पे देखे भैया आप यहाँ पे खोले हुए हैं ना, बहुत फोन आता है, मतलब रात के 11 बजे तक फोन आता है, 11 बजे रात तक फोन आता है, लास्ट में हम फ्लैट मोड में डाल के तब सोते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ के लोगों को चाहिए, जरूरत है, क्योंकि अब इकोनॉमिकल कंडीशन भी देख ही रहे क्या है, तो अब 1-1 लाख में कोई भी खर्च नहीं करना चाहता, आधे दाम पे गाड़ी अवेलेबल है, ले लेते हैं बेचारे। चलिए, साफ तौर पर इसका बैनर आप देख लीजिए, बाइक हब, आपको जो है ये डाल्टनगंज सापू रोड में जो है सामने में आपको जो है ओवर ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा, और ये मोड़ के नाम क्या हुर मोड़ है, क्या हुर मोड़ से जो है मजहब लगभग जो है 200 से 300 मीटर अगर आप दूरी पर आएंगे तो ये आपको बाइक हब मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको पसंद कीजिए, गाड़ी ले जाइए और उसको जो है चला के जो है अपने ससुराली लेके जरूर जाइए। जय हिंद।